अध्याय 6 यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय। पूर्व आधुनिक काल सन 1300 से 1800। इस पाठ में हम भारत के अलावा कई और देशों के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 7 में हमने यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ा था। यह भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इसके कुछ प्रमुख देशों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अपने दीवार मानचित्र एटलस में यूरोप के मानचित्र में इन देशों के नाम पहचानें और उन्हें मानचित्र में खोजें। पहला, वह देश जिसका शासन भारत पर 1947 तक रहा। दूसरा, वह देश जिसकी राजधानी पेरिस नामक सुंदर शहर है। तीसरा, एक प्राचीन सभ्यता वाला देश जिसने सुकरात और प्लेटो जैसे महान दार्शनिक दुनिया को दिया। चौथा, एक देश जो भूमध्य सागर से तीन तरफ से घिरा है जिसकी राजधानी रोम है। पांचवा, मध्य यूरोप का एक विकसित देश जिसकी राजधानी बर्लिन है। छठवा, पूर्वी यूरोप का एक विशाल देश जिसकी राजधानी मॉस्को है। सातवा, अगर भारत से पेरिस स्थल के मार्ग से जाना चाहते हैं तो हमें किन किन देशों से होकर जाना होगा। आठवा, यदि भारत के समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जाना है तो किस रास्ते से जाएंगे, मानचित्र पर उंगली फेर कर बताएं। नौवा, मानचित्र में ईरान को खोजें, इस देश का भारत से पुराना सांस्कृतिक संबंध है। दसवा, ईरान के पश्चिम में इराक ढूंढें, यह हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। ग्यारवा, अरब प्रायद्वीप खोजें, जहाँ इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी, और फिलिस्तीनी देश पहचाने जहाँ ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। आधुनिक काल और उससे पहले, आमतौर पर माना जाता है कि औद्योगिक उत्पादन और लोकतांत्रिक राज्य इस युग की मुख्य पहचान है। सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर परिवर्तन का वर्णन करना ज़्यादा कठिन है, फिर भी कुछ सामान्य बातें जरूर कही जा सकती हैं। लोगों के जात पात को कम महत्व दिया जाना, सबकी कानूनी समानता और साथ ही साथ समाज के विविध वर्गों के बीच बहुत अधिक आर्थिक असमानता। सोच विचार के स्तर पर पहले लोग ज़्यादा धर्मभीरु होते थे, किंतु अब लोग विज्ञान और तार्किकता पर अधिक विश्वास रखने लगे हैं। मध्यकाल के समाज ने आधुनिक काल में कब और कैसे प्रवेश किया, यह अध्ययन का विषय है। जिस काल में यह बदलाव शुरू हुआ उसे पूर्व आधुनिक काल अर्थात आधुनिक काल का शुरुआती समय कहा जाता है। एशिया और यूरोप महाद्वीप के देशों में 14वीं शताब्दी से अर्थात सन 1300 के बाद व्यापार, शहरीकरण, राजनीति, कला, धर्म, लोगों की सोच आदि में बदलाव आने लगा। यह दौर लगभग 1750 तक चला। इसके बाद औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के कारण आधुनिक युग की शुरुआत हुई। अतः सन 1300 से सन 1750 के काल को हम पूर्व आधुनिक काल और इसके बाद के काल को आधुनिक काल कहते हैं। भारत, इराक, ईरान और तुर्की जैसे एशियाई देशों तथा यूरोप के इटली, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में 14वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच क्या घटनाएँ घटी जिन्होंने आर्थिक व राजनैतिक क्रांतियों को संभव बनाया। बदलाव तो कई हुए, लेकिन यहाँ हम केवल सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक बदलावों की बात करेंगे। 14वीं से 18वीं सदी के बीच तीन तरह की प्रक्रियाएं हुईं जिन्हें हम इन नामों से जानते हैं। रेनासा या पुनर्जागरण, धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन और एनलाइटमेंट, प्रबोधन अर्थात विज्ञान, लोकतंत्र और प्रगतिशील विचारों का विस्फोट। हालांकि ये तीनों यूरोप के इतिहास से जुड़ी घटनाएं हैं, इनसे मिलती जुलती कई बातें भारत, ईरान या तुर्की जैसे एशियाई देशों में भी इसी काल में देखी जा सकती हैं। जैसे भारत में भक्ति व सूफी आंदोलन तथा नए कलाबोध का विकास इसी समय प्रारंभ हुआ। यही नहीं, यूरोप में हुए इन बदलावों के पीछे एशिया और अफ्रीका के देशों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। इस कारण पिछले कुछ दशकों से इतिहासकार इन्हें केवल यूरोप के संदर्भ में नहीं बल्कि वैश्विक संदर्भ में देखने का आग्रह कर रहे हैं।